हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा। तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDB रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDB रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा, उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे।
सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो हैं वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। बीजीएम को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन हाँ इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी, आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा। तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDB रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDB रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं,
राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा और उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। बीजीएम को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी। आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हम इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा।
तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDb रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDb रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है, इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा, उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉर्ड्रूस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड BGM सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। BGM को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या यूट्यूब के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी, आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली देख। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके।
इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा। तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDB रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDB रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा, उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड BGM सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। BGM को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी, आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में
एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा। तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDB रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDB रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है, इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा और उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे।
सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। बीजीएम को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी, आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा। तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDb रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDb रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं,
राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा और उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। बीजीएम को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या यूट्यूब के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी, आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हम इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा।
तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDb रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDb रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा, उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड BGM सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। BGM को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी, आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके।
इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा। तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDB रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDB रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है, इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा और उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड BGM सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। BGM को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी। आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में
एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा। तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDb रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDb रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है, इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा, उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस
और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। बीजीएम को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी म्यूजिक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या यूट्यूब के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी। आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हम इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा। तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDB रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDB रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं,
प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा, उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। बीजीएम को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी, आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा।
तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDb रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDb रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है, इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा और उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉर्ड्रूस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड BGM सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। BGM को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी। आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके।
इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा। तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDb रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDb रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है, इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा, उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड BGM सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। BGM को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या यूट्यूब के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी। आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को
हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हम इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा। तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDB रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDB रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा, उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस
और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। बीजीएम को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन हाँ इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या यूट्यूब के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी, आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा। तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDB रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDB रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तसाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं,
प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा और उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। बीजीएम को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी, आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हम इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा।
तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDb रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDb रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है, इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा, उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड BGM सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। BGM को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या यूट्यूब के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी, आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके।
इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा। तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDB रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDB रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा, उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड BGM सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। BGM को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी। आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में
एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा। तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDB रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDB रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है, इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा और उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो
पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। बीजीएम को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या यूट्यूब के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी। आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा। तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDb रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDb रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं,
राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा, उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। बीजीएम को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या यूट्यूब के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी, आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हम इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा।
तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDb रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDb रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा, उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड BGM सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। BGM को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी, आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है
और चैनिक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चैनिक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा। तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDB रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDB रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन हैं, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा और उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड BGM सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। BGM को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी। आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में
एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा। तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDb रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDb रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है, इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा, उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो
पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम सुनने को मिलेंगे। तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। बीजीएम को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या यूट्यूब के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी। आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली देख। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हम इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा। तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDB रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDB रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं,
राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है इस मूवी का, बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा, उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बीजीएम सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। बीजीएम को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी, आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा।
तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDb रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDb रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है, इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा और उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉर्ड्रूस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड BGM सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। BGM को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या YouTube के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी। आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली दे। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है, स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है
और चनिक ऐसे फैक्ट बताए हैं, चनिक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में आने वाली अपकमिंग मूवी अकेली के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इसका जेनर क्या है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एक एक्शन मूवी है, ड्रामेटिकल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, किस तरह की ये मूवी बनाई गई, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये जो मूवी हम देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, बेसिकली क्या होगा। तो इस मूवी में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग को अभी स्टार्ट किया गया है या नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से अभी परसेंटेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया एंड ना ही इसे IMDb रेटिंग मिलना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया। तो जैसे ही इसे रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी IMDb रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा एंड उसी के साथ साथ इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को तशाई देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, राइटर्स कौन है, उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटर कौन है, इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया, क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है, तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभालने वाले हैं जी प्रणय मेश्रम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के राइटर कौन है, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो प्रणय मेश्रम, गुंजन सक्सेना और आयुष तिवारी इस मूवी के राइटर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अपर्णा, उसी के साथ साथ शशंत देखने को मिलेंगे, विक्की सिदाना, निंदा और नितिन वैद्या जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि नुसरत भरूचा, आमिर बॉट्रियस, राजेश जेस और तसाई जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पुष्कर सिंह आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया। एडिटिंग की बात करें तो सुमित कोचियन जो है वो आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग का काम सरंजाम दिया है। म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग्स एंड BGM सुनने को मिलेंगे, तो इसके सॉन्ग्स में आप लोगों को यहाँ पर हितेश सोनिक और गुरशाबाद जो है वो आप लोगों को इसके सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज करते हुए नज़र आएंगे। BGM को कंट्रोल किया है रोहित ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी के सारे म्यूज़िक को अरेंज किया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो दशामी स्टूडियोज़ आप लोगों को इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे, तो ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी होने वाली है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसे सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा, किसी OTT प्लेटफॉर्म या यूट्यूब के चैनल पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में अवेलेबल होगी। आप लोग इसे जाइएगा और जाकर इसे लाजमी से एक मरतबा तो डेफिनेटली